और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, चेयरमैन नैब की तकरारी के मामले से मुतालिक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी काबिना ने दे दी है। ऑर्डिनेंस का मसविदा आज शाम तक सदर आरिफ अलवी को भिजवाए जाने का इम्कान है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन नैब की तकरारी के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत से इनकार कर दिया है। चेयरमैन नैब की तकरारी के मामले से मुतालिक आपको बता रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी काबिना ने दे दी है। ऑर्डिनेंस का मसविदा आज शाम तक सदर आरिफ अलवी को भिजवाए जाने का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन नैब की तकरारी के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत से इनकार कर दिया है। चेयरमैन नैब की तकरारी के मामले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी काबीना ने दे दी है। ऑर्डिनेंस का मसविदा आज शाम तक सदर आरिफ अलवी को भिजवाए जाने का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान का चेयरमैन नैब की तकरारी के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत से इनकार। चेयरमैन नैब की तकरारी नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी काबीना ने दे दी है। काशिफ रफीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। काशिफ रफीक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब की तकरारी के मामले के ऊपर नैब ऑर्डिनेंस की तरामीम थी, उसके हवाले से सर्कुलेशन फांसी काबीना भिजवाई गई थी। सर्कुलेशन समी की मंजूरी फांसी काबीना ने दे दी है। ये तवक्को की जा रही है कि ऑर्डिनेंस का मसौदा आज शाम तक सदर आरिफ अलवी को भिजवाया जाएगा और सदर आरिफ अलवी ऑर्डिनेंस करके बकायदा फिर उसको मीडिया के लिए रिलीज किया जाएगा। चेयरमैन नैब के मामले पर वजीर आजम ने फिर अपने दोस्तों को मौका दोहराया है कि अपोजिशन लीडर से इस हवाले से मामले में मशावरत नहीं करेंगे। तमाम जब वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत ना होगी तो ये मामला पार्लियामेंट कमेटी को रेफर किया जाएगा और पार्लियामेंट कमेटी इसका फैसला करेगी कि नया चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। तमाम जब ये ऑर्डिनेंस इशू हो जाएगा तो उस वक्त तक जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं होगा, जिंदा चेयरमैन नैब जो है बतौर चेयरमैन नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी काबीना ने दे दी। बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक तफसीलात से आगाह करने के लिए।